डीग स्थित दिल्ली दरवाजा इलाके में रात्रि एक सरसाइज करने को लेकर दोनों पक्ष में कहा सुनी हो गई। कहा सुनी पर इतना विवाद हो गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया। युवकों रात्रि को पथराव कर ले लिया। मौके पर दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव हुआ। पथराव में एक पक्ष के 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए डीग है अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पथराव में चौकी प्रभारी चोटें आ गई, जिसकी सूचना चौकी प्रभारी ने उच्च अधिकारी को दी। उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात पर काबू में किया। इस मामले में एक पक्ष की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है, जबकि दूसरे पक्ष ने अभी तक पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। क्षेत्र की चौकी प्रभारी विजेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि दोनों पक्षों के योग योगा जिम में एक एक्सरसाइज करने जाते हैं। वह शनिवार को एक एक्सरसाइज करने को लेकर पहले कहा सुनी हुई और बाद में मारपीट हुई। दोनों पक्ष के घर जाकर घर वालों को घटना की जानकारी दी तो दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए और पथराव शुरू हो गया। करीब आधा घंटा के में दोनों पक्षों को लोगों के अलावा और ईसाई 12 अन्य पुलिसकर्मियों को चोट आई है। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया है। इस मामले में देवों के देव ने पुलिस को तहरीर दी है। घायलों को मेडिकल रात को कराया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि दोनों पक्षों में एक पक्ष की लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर मनमुटाव चल रहा है। हालांकि इस कारण इस प्रकरण में हो चुका है, लेकिन पुलिस ने ताजा मामले का इससे कोई कनेक्शन होने से इनकार किया है।